उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने नगर निगम स्थित इंटीग्रेटेड ट्रैफिक कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया, जिसके संबंध में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने बताया कि गोरखपुर महानगर में ट्रैफिक कंट्रोल रूम बहुत अच्छी तरह से कार्य कर रहा है। गोरखपुर बेहतर स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बेहतर कार्य सभी विभागों ने किया है। सिस्टम में कुछ सुधार करने के लिए सुझाव दिया गया है। जहाँ पर कैमरा नहीं है वहाँ पर ट्रैफिक पुलिस की ड्यूटी लगाने के निर्देश दिए गए हैं तथा कुछ जगहों पर सड़क पर ट्रांसफार्मर लगा है उसको वहां से हटाकर ट्रैफिक व्यवस्था सुधार करने के लिए भी कहा गया है, जिससे कि सड़क पर जाम ना लग सके। इसके अलावा सभी नागरिकों को पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से संदेश दिया गया है कि ट्रैफिक व्यवस्था को बनाए रखने में ट्रैफिक पुलिस की मदद करें। इस अवसर पर भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष व MLC डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता, जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश, SSP डॉक्टर गौरव ग्रोवर, SP ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा, चौराहे हैं जो कि ITMS से कवर्ड है, उनमें हमारे स्मार्ट सिटी कैमरे कितने लगे हैं? टोटल सर 155 कैमरे लगे हैं। अच्छा, तो अलग तरह के कैमरे, जितनी गाड़ियां हमारी सड़क पे हैं सभी चौराहों से कुछ काउंट करते हैं? इवनिंग में ज़्यादा रहता है इसका आंकड़ा बनाए सर? आंकड़ा गोरखपुर में हमारे पास कितने व्हीकल सड़क पर रहते हैं एवरेज, तो हमें यानी किसी ट्रैफिक को भेजना है। और ट्रैफिक के साथ साथ अब तो सिविल पुलिस की भी जिम्मेदारी, जैसे ऑटोमेटिक जो चालान होते हैं, सरकार का उद्देश्य हमें लोगों को चालान करना नहीं, इनका तरीका यह है कि हमें काउंसलिंग करनी पड़ेगी। यस सर, ट्रैफिक पुलिस के जो नीति नियंता हैं वो सभी इंटर कॉलेज डिग्री कॉलेज के बच्चों में जैसे सेंस हमें लोगों के अंदर डेवलप करना होगा। और ये हम कर सकते हैं कि गोरखपुर पूरे प्रदेश का एक हब है पूर्वांचल का। गोरखपुर के साथ साथ हमें बिहार का भी लोड घेरना पड़ता है। बिहार हमारा बॉर्डर स्टेट है और वहाँ के पढ़ाई के लिए ढेर सारे बच्चे यहाँ रहते हैं, उनके माता पिता रहते हैं, तो इसलिए हमारे पास और अधिक गाड़ियों का लोड है बाहर की गाड़ियों। ऐसा सिस्टम डेवलप करना है कि गोरखपुर को एक स्मार्ट सिटी वास्तव में जो है उसके धरातल को उतार दे। माननीय मुख्यमंत्री जी की इच्छा यही है कि बेहतर काम हो। सर, मौके चौराहे पर इमरजेंसी कंट्रोल बटन लगा है उससे हमारा शिफ्ट कर, कितने कितने ऐसे स्पीकर से टू वे सिस्टम के 21 जंक्शन हमारे लगे हैं। यस सर, और वहाँ पर हमारे पास मैन पावर भी है और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम भी है। यस सर, बस लगा होगा सर, स्विच वहाँ लोकल भी लगा हुआ है सेंट्रल कंट्रोल करने के अलावा। और जैसे सर हम एम्बुलेंस पास कराते हैं ग्रीन कॉरिडोर का टाइम सर हम लोगों ने काफ़ी घटा दिया है सर बैठने का। तो हम लोगों ने क्या किया, पहले जो हमारा एम्बुलेंस का रिस्पांस सिस्टम था वो 30 मिनट था रूरल एरिया के लिए जी, और 20 मिनट था शहरी अर्बन के लिए। अब इसको घटा के हमने 10 मिनट में यहाँ से पहुँचा देते हैं। हमने तय किया है कि हम पूरे स्टेट में रिस्पांस सिस्टम हमने ठीक किया है सर। अब हमने समय सीमा घटा दी है, पहले आधा घंटा थी 20 मिनट था, अब इसको 15 मिनट कर दिया दोनों स्थिति में, तो इसमें ट्रैफिक की भी तो मदद ली है। थोड़ा
सर्वाधिक लोड कहाँ पे? सर्वाधिक लोड सर मॉर्निंग के टाइम पे हमारा रहता है शादीसंग पर और पैडलीगंज पे लोड रहता है। ये उर्दू बाजार वाले मोड़ की क्या पोजीशन है? मैं अंदर चला जाता है, उधर हमारा ट्रैफिक सिस्टम नहीं है अंदर, तो वहाँ वहाँ ट्रैफिक के लिए हम लोगों ने क्या किया है वहाँ के पास? तो वो भी पुलिस के लिए डिप्लॉय किया है, इसके बिजली वाले से रिक्वेस्ट करके उसको दूर कर है क्या कि जो उर्दू बाजार है ना वो बहुत दिनों से है, अब वहाँ गाड़ियाँ बढ़ गई हैं, व्यावसायिक प्रतिष्ठान छोटे छोटे बहुत है वहाँ और सबके पास गाड़ियाँ हैं, तो उसके लिए कुछ हमें अलग से प्लान करना। ठीक है सर, थोड़ा है जिसमें खुला पड़ा हुआ है, मंदिर जाना था तो क्या रास्ता बताएंगे यहाँ से कहाँ जाना? पर दात्री चौक पे हैं, बताओ रास्ता भैया। सर आप सबसे पहले आप चले जाइए धर्मशाला पे गोरखनाथ मंदिर के लिए। कितना डिस्टेंस होगा सर? मेरा सर वो इधर बीच में करिए, 6-7 किलोमीटर लगभग। आप अभी कहाँ से बोल रहे हो? दात्री चौक से सर। अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत हो तो दोबारा पूछ लीजिए। ओके सर। गर्वद अनुरोध करता हूं कि हम सब ट्रैफिक नियमों का पालन करें और उत्तर प्रदेश राज्य में गोरखपुर को ट्रैफिक के अनुपालन में नंबर एक पर ले जाने के लिए काम करें। मैं ऐसा अनुरोध आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के कुशल नेतृत्व में काम कर रही सरकार में ब्रजेश पाठक हूं, उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार का, और आप सबने बहुत ही कम समय में मात्र 5.5-6 साल के अंतराल पर गोरखपुर में बहुत डेवलपमेंट के आयाम तय किए हैं। मैं ऐसे अवसर पर आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का आभार प्रकट करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि पूरे प्रदेश को एक नई रूपरेखा के रूप में डेवलपमेंट के मोर्चे पर और कानून व्यवस्था के मोर्चे पर उन्होंने खड़ा किया है। मैं ऐसे अवसर पर आप सभी का हृदय से आभार प्रकट करता हूँ, गोरखपुर के सभी सम्मानित जनप्रतिनिधियों का, आम जनमानस का, पत्रकार मित्रों का और अपने एडमिनिस्ट्रेशन के सारे भाइयों बहनों का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद। सर थोड़ा हम लोगों को जाने दीजिए, हम लोग बाहर आ रहे हैं, बाहर आ गए मीडिया के बाहर खड़े रहो, यहीं रहो। आज गोरखपुर में इंटीग्रेटेड कंट्रोल सिस्टम का अभी हमने निरीक्षण किया है, बहुत बेहतर ढंग से गोरखपुर स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित हो रहा है। आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में बेहतर संयोजन सभी विभागों से हुआ है। ट्रैफिक सिस्टम को और बेहतर किए जाने के कुछ सुझाव हमने दिए हैं, जैसे उर्दू बाज़ार के पास वहाँ पर अभी स्मार्ट सिटी के रूप में इलेक्ट्रॉनिक ट्रैफिक सिस्टम नहीं है, वहाँ मैन पावर बढ़ाए जाने के साथ एक ट्रांसफार्मर सड़क पर लगा है, उसको हटा करके अन्य स्थान पर लगा करके और ट्रैफिक व्यवस्था सुधार करने के निर्देश दिए। देखिए गोरखपुर में आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी के नेतृत्व में बेहतर काम हो रहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं लगातार इसकी समीक्षा करते रहते हैं और गोरखपुर में कोई दिक्कत नहीं, अच्छा काम हो रहा है। मैंने पब्लिक एड्रेस सिस्टम से गोरखपुर के सभी लोगों को संदेश दिया है, बात किया है कि ट्रैफिक नियमों का पालन करें और गोरखपुर को और सुंदर बेहतर बनाएं। देखिए हमने पूरे प्रदेश में जो हमारी एम्बुलेंसेज है, जो रोगी वाहन हैं, उनके रिस्पांस टाइम को कम किया है। पहले रूरल एरिया में ये 20 आधा घंटा था और शहरी एरिया में 20 मिनट था, इसको घटा करके हमने 15 मिनट कर दिया है, जिसमें ट्रैफिक पुलिस का भी बहुत सहयोग मिला है। हमने पहले वहाँ के स्वास्थ्य केंद्र को देखा, CSC को देखा, फिर उसके बाद हमने वृक्षारोपण भी किया है, इसके अलावा हाँ हमने जन चौपाल भी लगाई है और एक विद्यालय का भी निरीक्षण किया है। और जो केंद्र की आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की योजनाएं हैं और प्रदेश की जो आदरणीय योगी जी की योजना जन जन तक पहुँचे, उसके लिए लगातार हम निरीक्षण कर रहे हैं और जन जन से बात करके चौपाल लगा करके 100% आच्छादन के लिए कह रहे हैं।